एंड टीच यू SST एंड आवर टॉपिक इज आवर रिच हेरिटेज, यानी कि हमारी अमूल्य धरोहर या विरासत। द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ ए कंट्री दैट इज वैल्यू बिकॉज इट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिटेज, यानी कि किसी भी देश की जो परंपरा होती है या संस्कृति होती है वो बहुत ही मूल्यवान होती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है? क्योंकि ये जो है जो हमारी विरासत होती है वो हमारी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जाती है, इसे ही हम जो है विरासत कहते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके दादा दादी के समय कोई ऐसी चीज़ें हो जिनके बारे में हमें जानकारी हो, जब वो हमें अपनी अपनी उन चीज़ों के बारे में जब हमें बताते हैं तो वो हमारे वो क्या होती है, उनकी विरासत होती है कि उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में हमें बताया है। इट हैज़ ए वेरी ओल्ड, और हमारे देश की जो संस्कृति और परंपरा है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। इट इज रिफ्लेक्ट इन इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इसमें जो है जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, मंदिर हैं, और ये सारे जो है जो यहाँ के साहित्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म, इसके अलावा जो हमारे यहाँ का संगीत है और क्लासिकल डांस जो है वो भी उसके जो प्रकार है वो भी काफ़ी पुराने हैं हमारे यहाँ के। लेट अस टेक ए ग्लिम्प्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अब हम यहाँ पर आगे हम जो जानेंगे जो हमारे यहाँ की भारतीय कला और संस्कृति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमारा लैंग्वेज यानी कि जिसे हम भाषा बोलते हैं हिंदी में। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो भाषा होती है वो किसी भी व्यक्ति को बात करने का एक माध्यम होता है। थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर, जिससे कि हम अपनी बातों को जो है दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बातों को हम खुद समझ सकें। इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट है इट्स ओल्ड, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की जो है अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। देयर आर 22 लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जैसे हिंदी, मैथिली, पंजाबी, तेलुगू, बंगाली, कश्मीरी, मणिपुरी। दी लैंग्वेज हैव मेनी डिक्लेयर्स, और जो ये सारी भाषाएं हैं उनकी कुछ उनकी कई उपभाषाएं भी होती हैं। डिक्लेयर्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सम लैंग्वेज, जो उपभाषाएं होती हैं वो कुछ भाषाओं की जो है होती हैं। हिंदी इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, और हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में बोली जाती है। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो संस्कृत और तमिल भाषाएं हमारे यहाँ प्रयोग की जाती हैं वो भी भारत की काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है भाषा है। वाई मोस्ट इंडियन लैंग्वेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो भाषाएं लिखी गई हैं वो बाएं से दाएं लिखी गई हैं। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर राइट, लेकिन जो कश्मीरी, सिंधी और उर्दू भाषा जो लिखी गई है वो उसके जस्ट अपोजिट यानी दाएं से बाएं लिखी गई है। दिस लैंग्वेज हैव द सेम स्क्रिप्ट, और इन भाषाओं की जो है लिपि जो होती है स्क्रिप्ट यानी लिपि जो होती है वो एक जैसी ही है। और इसके आगे हमारे नेक्स्ट शरीर में वो ड्रेसेस, यानी कि हर हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं उनके यहाँ की जो कपड़े होते हैं पहनने का ढंग होता है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द क्लास पीपुल वियर, यानी कि भारत में जो विविधता पाई जाती है सीन फ्रॉम द वो कपड़ों में भी पाई जाती है। पीपुल लिविंग ए सिटीज एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस, जैसे कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो मॉडर्न तरीके के होते हैं। वाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर बोथ इंडियन ड्रेस, और जो पारंपरिक कपड़े होते हैं वो गांव के लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। वी सी मेनी वेरिएशन ऑफ द पीपुल ड्रेसेस, हम जो है यहाँ के लोगों को कई तरह के कपड़े पहनते हुए देखते हैं, जैसे जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर सलवार कमीज और साड़ी पहनना पसंद करती हैं। द वे वोमेन टाई साड़ी डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो ये साड़ी पहनने का ढंग होता है हमारे यहाँ वो हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे यूपी में जो साड़ी पहनने का ढंग है वो अलग है, इसके अंदर इसके आगे जैसे कोलकाता में हम देखते हैं तो वहाँ पे जो साड़ी पहनने का ढंग जो औरतों का होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ से। द महाराष्ट्रीय बंगाली एंड गुजराती मेथड ऑफ ट्राइंग द साड़ीज कंप्लीटली डिफरेंट एंड सो हाउ द सेम क्लास कैन यूज टू गिव ए कम्प्लीटली डिफरेंट लुक। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्रियन है बंगाली के लोगों को साड़ी पहनने का जो बाद में
के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं आल्सो डिफर फ्रॉम रीजन, वो भी जो है हर स्टेट का अलग अलग होता है। द मेन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट, जो पुरुष होते हैं वो शर्ट और ट्राउजर का पहनना पसंद करते हैं, कुर्ता पैजामा, और इसके साथ साथ कई पुरुष जो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। द लुंगी इज ए पॉपुलर ड्रेस, इसके अलावा जो लुंगी है वो पुरुष में काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली साउथ में, और विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो जो पुरुष होते हैं वो लुंगी पहनना पसंद करते हैं। इन कश्मीर, कश्मीर में जो औरतें होती हैं वो शलवार कमीज पहनती हैं, और उसके साथ ही वो एक उसके साथ ही वो फिर हैंड पर्स पहनना भी पसंद करती है, जो मतलब उनका लॉन्ग होता है, मेन कवर देयर हेड्स, और जो आर्मी पुरुष होते हैं वहाँ के वो अपने सर को जो है कवर किए रहते हैं विथ ए कैप आर टर्बन्स, पगड़ी आर डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स आर ओन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो जो है अलग अलग तरह के कैप या फिर टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं, जो कि अलग अलग स्टाइल और अलग अलग रंगों में होता है। द टर्बन ओन बाई सिख इन पंजाब इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ओन बाई द पीपल ऑफ राजस्थान, जैसे कि पंजाब के जो जो पुरुष होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं उनका पहनने का स्टाइल जो है वो राजस्थान के लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि कला और वास्तुकला। मैन बाय नेचर इज लवर ऑफ आर्ट, यानी कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है उनका क्या होता है, वो उनको जो है कला से प्रेम होता है। इंडिया हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भारत में भी जो है काफ़ी जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस बारे में। द इंडियन किंग्स, जो भारतीय राजा थे या फिर एम्प्रेस या जो हमारे यहाँ के बादशाह थे मुगल बादशाह, वेयर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, वो जो है यहाँ की कला के काफ़ी संरक्षक थे। द कार्विंग एंड पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द एंशियंट टेम्पल्स पैलेसेस एंड केव्स आर द हाइएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन, यानी कि हमारे यहाँ लकड़ी पर बनाई हुई कलाकृतियाँ या फिर दीवारों पर बनाई हुई पेंटिंग जो है हमारे एंशियंट टेम्पल्स यानी कि पुराने मंदिर है या फिर जगह है गुफा है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ की कला के। द पेंटिंग इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा शोज सीन्स फ्रॉम द, इसके अलावा हमारे यहाँ जो अजंता और एलोरा की जो गुफाओं पर जो पेंटिंग बनाई गई है वो जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा के जीवन का जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अंडर द मुगल रूल, जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, द मेनशियल पेंटिंग बिकम पॉपुलर, उस समय हमारे यहाँ जो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थी यहाँ पर। दीज पेंटिंग शो कोर्टसीज, और वो जो पेंटिंग बनाई जाती है ऐसी पेंटिंग बनाई जाती थी जिसमें जो है वहाँ के जैसे मुगल शासक जो उनका जो दरबार होता था वो सीन बनाई जाती थी, और हंटिंग शिकार करते हुए सीन बनाई जाती थी, बैटल युद्ध के फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, यानी कि रामायण और महाभारत के जो युद्ध की जो समय की चिन्ह वो फोटो होती थी वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। आवर कंट्री इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर, हमारा देश भी जो है वो वास्तुकला में काफ़ी मूल्यवान है। टेम्पल्स मंदिर पैलेसेस महल एंड फोर्ट्स बिल्ट बाय इयरियर रूलर्स, और जो यहाँ के किले बनाए गए वहाँ यहाँ के प्राचीन शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। आर द वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमें जो है उस समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही मूल्यवान है। द रिम्स ऑफ द हिंदू वैली सिविलाइजेशन, जैसे हिंदू घाटी की सभ्यता जो वहाँ के खंडहर है, जैन टेम्पल जो जैन मंदिर है एंड एट माउंट आबू जो कि माउंट आबू में है, द ताजमहल, और जो हमारे यहाँ आगरा में ताजमहल है, इन इंड्यूरिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ डब एट आगरा, द रेड फोर्ट दिल्ली का जो लाल किला है एंड द फोर्ट एंड पैलेसेस इन राजस्थान, और राजस्थान में जो किले और महल हैं आर सम जेम्स ऑफ आवर आर्किटेक्चर है, ये सारे जो है हमारे देश की जो वास्तुकला की विरासत है। नेक्स्ट हेडिंग डांसेस एंड म्यूजिक, यानी कि नृत्य और संगीत। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक, हमारा भारत जो है वो ट्रेडिशन यानी कि पारंपरिक लोक नृत्य जो है यहाँ का काफ़ी उसमें काफ़ी महत्व है इनका एंड क्लासिकल डांस, इसके अलावा जो शास्त्रीय नृत्य होता है एंड म्यूजिक और संगीत। फोक डांसेस इन इंडिया आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड ऑन वेरियस इवेंट्स लाइक मैरिजेस, हमारे यहाँ जो फोक डांस यानी कि लोक नृत्य किया जाता है वो हमारे जो है यानी कि हमारे मनोरंजन को व्यक्त करता है, जैसे कि शादियों में त्योहारों पर या बच्चे के जन्म पर। दी
परफॉर्म बाई ग्रुप वर्क। और ये सारे जो नृत्य होते हैं वो ग्रुप में की जाते हैं, मतलब एक से अधिक लोग जो है इस तरह के नृत्य को करते हैं, इसे जो फोक डांस कहते हैं। सम फोक डांसर्स सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू सीजन। कुछ जो है फोक डांस ऐसे भी होते हैं जो कि नए सीजन के स्टार्ट होने पर बनाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड अदर डांस मार्कर्स हार्वेस्टिंग क्राफ्ट, जैसे कुछ जगहों पर हमारे यहाँ जब फसल काटी जाती है उस समय जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें जो है लोगों के द्वारा फोक डांस किया जाता है, जैसे बिहू होता है, भांगड़ा होता है। द फोक डांसेस एंड म्यूजिक ऑफ इंडियन विलेजेस आर ग्रुप एक्टिविटीज वेयर विलेजेस गेट टुगेदर एंड शेयर। जो हमारे यहाँ के लोक नृत्य होते हैं या संगीत होता है, भारतीय गाँव में रहने वाले भारतीयों के द्वारा ग्रुप एक्टिविटीज होती है, उनका क्रियाकलाप होता है, वे जहाँ पर जो गाँव के लोग होते हैं साथ में जो है इस तरह के जो फेस्टिवल या फिर कोई भी चीज़ होती है सेलिब्रेट करते हैं, साथ में करते हैं। द स्पेसिफिक फोक डांसेस ऑफ इंडिया आर, भारत में कुछ जो है लोक नृत्य हैं जैसे भांगड़ा एंड गिद्दा, जो कि पंजाब में लोगों के द्वारा किया जाता है, राजस्थान में घूमर, असम में बिहू, गुजरात में डांडिया और गरबा, जो कि नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तमिलनाडु में कालकट्टा। फोक डांस ऑफ ट्रिबल्स ऑफ नाग, इसके अलावा जो है जो हमारी जनजाति समूह होती है जैसे नागालैंड है, मिजोरम,